चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.7 क्या दिया है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है यहां पर ज्यादा, तो द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। अगर आपको आपको प्रॉब्लम का अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ तो 4 कैरेक्टर्स हैं, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन तो मालूम है, लेकिन ये अगर 4 कैरेक्टर्स है तो इनका 2 लीनियर 2 इक्वेशन कैसे मिलेंगे आपको। तो देखिए बहुत आसान है, पहले तो मेन कैरेक्टर्स है यहाँ पर अनी एंड बीजू, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, उसी तरह की प्रेजेंट या फिर कुछ भी ले लो, बट प्रेजेंट ही लेना है हमें एज, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट एज बोल के कोई मेंशन करने की कोई जरूरत खास नहीं है, लेकिन फिर भी आगे एज ऑफ बिजू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखो इनको उनके बारे में फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। सिंपल सी बात है, मतलब इन दोनों के एज का डिफरेंस है 3 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कहते हो कि सिंपली क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इन दोनों सपोज यहाँ एडिशन होता तो कोई बात नहीं थी, x पहले लो या फिर y पहले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन है इसीलिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। क्या मेंशन नहीं किया, अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। ठीक है, अगर दोनों के एज का डिफरेंस 3 है तो इसमें आप प्लस 3 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, बराबर ना। लेकिन कंडीशन तो ये भी हो सकती है दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू भी 3 आ सकता है आने के लिए, राइट। मतलब यहाँ y इज ग्रेटर देन x हो सकता है, लेकिन एडिशन में ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, x पहले लो y बाद में लो या फिर y को पहले लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस आता है, इसीलिए हमें केसेस अज्यूम करने पड़ेंगे, है ना। क्या कंडीशन पहले अज्यूम करनी होगी, कंडीशन उसमें भी हमें केस 1 लेनी होगी, क्या केस लेनी होगी, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ऐसा अगर हमने अज्यूम किया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 लिखेंगे, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए कहाँ जाए, कोई बात नहीं। देखो अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, मतलब अनीज फादर्स एज, अनीज फादर ए इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, मतलब ट्वाइस ऑफ अनी, अनी का कितना एज है, एक्स है। और बाकी क्या दिया है उन्होंने, बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, मतलब हमें क्या करना है, कैथीज एज भी निकालना है। यहां क्या दिया, बिजू इज ट्वाइस है, बिजू का एज 2 टाइम्स है, राइट। मतलब यहां मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बिजू एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिस्टर्स एज, और हमें क्या निकालना है, सिस्टर का एज निकालना है, राइट। यहाँ पर तो सिस्टर्स या फिर कैथी नाम लिखेंगे तो आसानी होगी, कैथीज एज इज इक्वल टू बिजूज एज डिवाइडेड बाय 2, बराबर है।
और बीजू का एज कितना है, वाई है डिवाइडेड बाय टू, हो गया। मतलब हमें कैथी का भी एज मिल गया इन टर्म्स ऑफ वाई और फादर का एज मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। मतलब और लास्ट सेंटेंस क्या दिया है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, ठीक है। कैथीज एज माइनस धर्म इज इक्वल टू 30 ईयर्स। अब देखो यहां पर भी कैथी पहले लिखोगे क्योंकि यहां भी कोई नहीं दिया उन्होंने कि मतलब कौन बड़ा है, तो जो पहले आपके क्वेश्चन में आपने जो केस ली थी कि x इज ग्रेटर देन y, तो उसी हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब धर्म एज माइनस कैथी एज, राइट। और धर्म का एज कितना है 2x। सी मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, फर्स्ट कंडीशन हमने लिख ली है x इज ग्रेटर देन y इसीलिए, या फिर देखो द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, राइट, माइनस y बाय 2 इक्वल टू 30, राइट। ये हमें मिल गया सेकेंड वाला इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। बस हमने इक्वेशन तो फॉर्म कर लिए है, x माइनस y इक्वल टू 3, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है। पहले तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। और ये फर्स्ट और ये सेकेंड वाले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला इक्वेशन कौन सा है, 2x माइनस y बाय 2 इक्वल टू 30, सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये दोनों हो गए कैंसिल, माइनस 2y प्लस y बाय 2, राइट, माइनस 2y प्लस y बाय 2 इक्वल टू 6 माइनस 30, ये कितना आएगा, ये देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 24, राइट। 2 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 24 इंटू 2, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू आएगा 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा, राइट, y इक्वल टू हमें मिल गया 16, राइट। अब ये y की वैल्यू किस इक्वेशन में रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, पुटिन 1, और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3, राइट। सो x इज इक्वल टू, हम इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, y प्लस 3, सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3 प्लस 16 इज इक्वल टू 19, ठीक है ना। अब ये देखो ये दो हमें एज मिल गए फर्स्ट केस में, अगर x इज y ग्रेटर देन y है तो, अगर y इज ग्रेटर देन x होगा तो सेकेंड केस, केस 2, y इज ग्रेटर देन x, तो दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, अनी और बीजू के 3 ईयर्स, मतलब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा y माइनस x इक्वल टू 3, और कैथी और फादर के डिफरेंस का एज का डिफरेंस कितना है 30 ईयर्स। जो वो इक्वेशन था वो वैसे ही लिख लेंगे हम, क्या था 2x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 30, उसको कोई भी चेंज नहीं करना, बस इस इक्वेशन को करना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, यहाँ तो एडिशन ही करना पड़ेगा, बस इक्वेशन को इस या फिर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड वाले इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 4x माइनस 2y, सॉरी 2y बाई 2 मतलब y इक्वल टू 30, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे इसको, माइनस एक्स प्लस वाई, राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये तो आना ही चाहिए, इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 30, ठीक है। हाँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ 60 आना चाहिए, राइट, ऐड करेंगे
फोर एक्स माइनस एक्स ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। मतलब यहाँ x इज इक्वल टू आएगा 63 अपॉन 3, x की वैल्यू आएगी टू 121। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 में। सो x इज इक्वल टू आएगा कुछ नहीं, बस वैल्यू रखो, इससे ही आपको आसानी हो जाएगी, y माइनस 21 इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 21 इज इक्वल टू 24, राइट है ना। मतलब x इज इक्वल टू 21 और y इक्वल टू 24, इस तरीके से आपकी वैल्यूज आएंगी, कौन बड़ा है इस हिसाब से। अब ये सेकेंड वाला इक्वेशन देखिए क्या दिया है यहाँ पर। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, राइट। अब देखो एक ने दूसरे से क्या कहा, अगर तुम मुझे 100 दोगे ना, जो कुछ भी है, तो मैं तुम्हारे जितना, मैं तुमसे दो गुना रिच हो जाऊंगा। और दूसरे ने कहा अगर तुम मुझे 10 दोगे ना, तो सपोज रुपीज है, तो मैं 6 टाइम्स तुमसे रिच हो जाऊंगा। तो उनके पास मतलब कैपिटल कितना है ये देखना है। ये देखो फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला है ना, लेट फर्स्ट फर्स्ट फ्रेंड कैपिटल ओरिजिनली कितना है मालूम नहीं, इसीलिए एक्स रुपीज, ठीक है, एक्स रुपीज। और जो सेकेंड वाला फ्रेंड है कैपिटल इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है। अब यहां देखो हिंट भी दिए है उन्होंने, एक्चुअली हिंट मतलब पूरा इक्वेशन ही दिया है, लेकिन हमको मन से आना चाहिए। तो पहले ने क्या कहा, फर्स्ट फ्रेंड ने क्या कहा, गिव मी 100 आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। पहले तो अगर मतलब पहले फ्रेंड के पास कितने रुपीज थे, एक्स थे, उसको कितने चाहिए दूसरे से 100 रुपीज। अगर उसने 100 ले लिए तो वो बराबरी कितनी कर सकता है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिच एज यू। उसके पास ओरिजिनली कितने थे, वाई रुपीज थे, उससे उसमें से भी उसने फर्स्ट वाले ने कितने ले लिए 100 रुपीज ले लिए, तो उसके पास बचेंगे कितने, y माइनस 100। देखो सपोज पहले फ्रेंड के पास सपोज करो 45 रुपीज है, और उसको अगर 5 रुपीज मिल जाएंगे दूसरे वाले से, तो वो टूटा दो गुना अमीर हो जाएगा दूसरे वाले से। तो पहले वाले के पास मतलब पहले वाले के पास हो गए कितने, 50 रुपए, तो दूसरे वाले के पास कितने होने चाहिए रुपीज, ये 2 टाइम्स है, तो दूसरे वाले के पास 25 रुपीज होने चाहिए ओरिजिनली, और उसमें से भी उसने कितने दे दिए, 5 रुपीज दे दिए। अभी उसके पास बचे कितने, मतलब इसके पास है ना, उसी तरीके का प्रॉब्लम। ये कुछ मतलब थोड़ा सा अलग है, बस समझ लो। ये हो गया एक इक्वेशन तो मिल गए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। x प्लस 100 2y माइनस 200, x और y को यहाँ पर लेके आओ, मतलब LHS माइनस 2y हो जाएगा। ये माइनस 200 है और ये प्लस 100 भी RHS में जाके माइनस 100 हो जाएगा, मतलब x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाला क्या कहता है वो देखते हैं। इफ यू गिव मी 10, पहले कितने कितने थे उसके पास,
उसके पास मतलब किसके पास, सेकेंड फ्रेंड के पास। पहले तो थे वाई, अगर पहले वाले फ्रेंड से उसने 10 रुपये ज्यादा ले लिए तो वो कितना अमीर हो जाएगा, 6 टाइम एज रिच एज यू। पहले तो एक्स थे, उसमें से भी 10 इसने ले लिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा इक्वेशन। देखो उन्होंने यही इक्वेशन दिए हैं, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 10। ओरिजिनल कैपिटल हमें निकालना है। चलो इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60। एक्स को LHS, 10 को RHS में ले जाओ, y प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस 60 एज इट इज रहेगा, 10 जो है वो माइनस 10 हो जाएगा, मतलब y माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 70। अब देखो अगर ये माइनस आप LHS में शिफ्ट कर दोगे ना तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, तो क्या आएगा माइनस वाई प्लस 6x इक्वल टू 70। सिंपल है, और इसको हम अच्छे तरीके से अगर लिखना हो तो कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड वाला इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, क्या करोगे आप, करना तो सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। चलो सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 12x माइनस 2y इक्वल टू 140, एक्स माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। इनको करना है सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो माइनस 12 माइनस 1 मतलब 11x, 2 कैंसिल, 140 प्लस 300 मतलब 440, राइट। सो x इज इक्वल टू आएगा 440 अपॉन 11 इज इक्वल टू, ये देखो 11 फोर जो 40 44, ये आएगा आंसर 404। मतलब हमें x की वैल्यू तो मिल गई 40 रुपीज। उसी तरीके से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालोगे, कौन सा वाला इक्वेशन इजी है थोड़ा सा। चलो फर्स्ट इक्वेशन में ही डालते हैं, x की वैल्यू है 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, मतलब माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 माइनस 40, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 340, माइनस माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू आएगी 340 अपॉन 2, राइट, ये आएगा 170, और y की वैल्यू आएगी 170 रुपीज। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये वाला प्रॉब्लम देखिए, अभी अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म, यहाँ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। यहाँ कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस आपको सेंटेंसेस को थोड़ा सा डिवाइड करना है। पहले तो क्या निकालना है, इस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें निकालना है डिस्टेंस, लेट ओरिजिनली, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, अगेन टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू वाई आवर, है ना, डिस्टेंस तो निकालना है। सो हमें मालूम है एक स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं,
सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम भी है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई, ये है ओरिजिनल वाला। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, इतना एक्स वाई किलोमीटर। अब देखो आगे क्या दिया है, इफ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, 10 से स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो वो वहां पर जाने के लिए 2 आवर्स कम लेगी, जो कि उसका शेड्यूल टाइम है। उसमें से अगर स्पीड इंक्रीज करोगे तो आप जल्दी से पहुंच जाओगे, तो उसको 2 आवर कम लगेगा, राइट। उस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, देखो डिस्टेंस के फॉर्मूले में ही लिखना है, ठीक है। न्यू डिस्टेंस कितना आएगा केस वन के लिए, उसका डिस्टेंस कितना आएगा, देखो अगर उसकी, ये तो x इंटू वाई का ही फॉर्मूला है, बराबर है। तो अगर ये चेंजेस करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ओरिजिनल वाला, ये यही है, राइट। लेकिन क्या चेंजेस कर ले आप, अगर आप क्या करोगे, स्पीड 10 से इंक्रीज करोगे और टाइम जो है y था वो 2 आवर लेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, आप स्पीड बढ़ाओ या चाहे कम करो, क्या चेंजेस क्या होंगे, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड स्लो कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही कवर करना है। मतलब ओरिजिनल डिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस, बस हमने यही किया है, और न्यू डिस्टेंस ये है, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करोगे आप y माइनस टू को, प्लस 10 से भी y माइनस टू को, इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई माइनस टू एक्स प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल, आएगा माइनस टू एक्स प्लस 10y, ये माइनस 20 को मैं RHS में भेज दूंगी, प्लस 20 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, राइट, माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10, है ना, वो कैंसिल हो जाता है। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब दूसरी केस क्या दी है उन्होंने, एंड इफ ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, राइट। डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है, ये इसीलिए ये वाला डिस्टेंस और ओल्ड वाला डिस्टेंस जो है वो आपको सेम रखना पड़ेगा। चेंजेस क्या क्या है देखो, स्पीड जो है वो 10 से कम की है, मतलब माइनस आएगा। टाइम तो ज्यादा लगेगा, कितने आवर ज्यादा लगेगा देखो, यहाँ पर 3 आवर ज्यादा लगेगा, हो गया, सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। सिंप्लीफाई करना है इसको, राइट। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई हो गए कैंसिल, आ गए आपका आंसर। माइनस 30 को RHS भेजकर ये हो जाएगा प्लस 30, राइट। अब ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्या करना पड़ेगा, एडिशन तो करना है, लेकिन इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। ये कुछ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो मैं दोनों इक्वेशन लिख लूंगी, ये है सेकेंड वाला और ये है फर्स्ट, माइनस 3x प्लस 15y इक्वल टू 30। करना है आपको एडिशन, 15 माइनस 10 ये आएगा 5y, 30 प्लस 30 ये आएगा 60। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 12, y इक्वल टू 12
और ये वैल्यू जो है वो आपको रखनी है कौन से वाले इक्वेशन में, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में, -x + 5y = 10। ठीक है, -x + 5 × 12 = 10, -x = 10, -60, -x = -50। हो गए कैंसिल, सो x की वैल्यू आएगी आपकी 50, x = 50, y = 12।